अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हिना लाइफस्टाइल व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। और आज का व्लॉग मैं कर रही हूँ दोपहर से, हाँ तकरीबन दोपहर हो गई है जब से स्टार्ट कर रही हूँ। और घर की कुछ सेटिंग वेटिंग आज पूरा सुबह उठते के साथ जो है ना, हम घर की कुछ सेटिंग वगैरह जो है वो चेंज करने लगे थे। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये अपना मिनी मनी प्लांट जो है ना ये नहीं दिखाया, और किचन का तो वो जो है टूर मैंने आप लोगों को अभी दिया ही नहीं, किचन टूर वाला व्लॉग अभी आया ही नहीं। वो अभी जब तक सही प्रॉपर किचन सेटिंग हो जाता जब तक नहीं होगा, अभी तक सेटिंग चल ही रही है। तो यहाँ पर एक छोटा सा ये मनी प्लांट जो है वो मैंने इस जार में लगा के रखा हुआ है। आपको हर जगह ना पौधे ही पौधे मेरे घर में नज़र आएंगे, बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक है। तो जनाब सुबह नाश्ते के बाद जो है छुट्टियां आजकल बच्चों की जैसे कि चल रही हैं, इमरान खान को जो पकड़ लिया था उसकी वजह से अभी मंडे से बच्चे स्कूल जाएंगे, यूनिफॉर्म वहाँ पर थर्सडे वाले दिन का इस्त्री किया हुआ वैसे ही पड़ा हुआ है, उसके बाद से बच्चे स्कूल गए नहीं, छुट्टियाँ हो गई थी तो मैंने उठाया ही नहीं कि अभी मंडे को ये इसी तरह दोबारा जाएंगे, देख ले इसको कहते हैं सुस्ती काइली। तो बस जनाब यहाँ पर जो है आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ एक बड़े मज़े की ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ, कोई मेरी रेसिपी नहीं है। अच्छा मैं अभी लास्ट एक जो है मसाला मॉर्निंग एक आता है प्रोग्राम श्री अनवर का, उनमें मैं एक शेफ़ आए हुए थे और वो एक रेसिपी बना रहे थे। तो उन्होंने बोला कि ये जितने भी शेफ़ होते हैं या जितने भी लोग होती हैं, जितनी भी खवातीन होती हैं जो ये बोलती हैं कि ये हमारी रेसिपी है, सबसे बड़ा झूठ होता है कि वो कहती हैं हमारी रेसिपी है। तो ऐसा ही है जनाब, कोई किसी की रेसिपी नहीं होती, वो कहते हैं कि भाई एक बाहर से रेसिपी आई है, तो जब वो पाकिस्तान में जब उस रेसिपी को हम बनाएंगे या ट्राई करेंगे तो हम अपने हिसाब से, बाहर वालों का टेस्ट जो होता है वो अलग होता है, उनके मसाले अलग होते हैं, हम जब पाकिस्तानी उसको बनाएंगे तो हम अपने हिसाब से, हम टेस्ट नमक मिर्च हर चीज़ मसाले हमें टेस्ट चाहिए होते हैं, हम उसके हिसाब से थोड़ी अदल बदल करेंगे तो हम कह देते हैं कि ये हमारी रेसिपी होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता, हमारी हमारी कुछ भी नहीं होती है। तो ये सबसे बड़ा दुनिया का झूठ होता है कि हम कहते हैं कि ये हमारी रेसिपी है, कोई हमारी बीमारी नहीं होती है। किचन विद आमना जो है इतनी बड़ी शेफ़ है, सही है, बहुत अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह उनको और तरक्की दे, बहुत अच्छी रेसिपीज़ होती हैं और मैं ख़ुद भी उसकी रेसिपीज़ बहुत ट्राई करती हूँ, लेकिन उसकी सारी रेसिपीज़ ना फूड फैशन की होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर उस चैनल का जो है फूड फैशन उसका रेसिपीज़ बनाती हूँ, या फिर कुकिंग विद किचन विद आमना उनकी रेसिपीज़ बनाती हूँ, दोनों की सेम सेम ही होती है, कुछ चीज़ होती है जो वहाँ से समझ नहीं आ रही होती वो वहाँ यहाँ से मैं देख लेती हूँ, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर जनाब आज जो है एक रेसिपी मैंने ट्राई की थी, फर्स्ट टाइम ही बना रही थी, मुझे नहीं मालूम था कि सही बनेगी, क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम बना रहे होते आपको नहीं मालूम होता सही बनेगी नहीं बनेगी। और ये भी होता है कि जो चीज़ दूसरा अपने घर में बना रहा है, उसके बच्चे, उसका शोहर, वो लोग सब खा रहे हैं, उन्हें अच्छी लग रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी फैमिली में भी वो खाई जाए, हमें पसंद आए। तो ये जनाब शुक्र है कि मैंने बनाई, अच्छी बन गई, सही बन गई और पसंद भी सबको बहुत आई, मुझे खुद भी बहुत अच्छी लगी। तो ये रेसिपी है नोश की, अभी नोश ने किसकी रेसिपी फॉलो की अभी मुझे नहीं पता। तो जनाब ये नोश की रेसिपी है, उनके चैनल पर अभी लास्ट टाइम मैंने देखी थी, बहुत मज़े की मुझे लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी बनाऊँ, ट्राई करूँ। और फिर मैं अपना नाम तो नहीं मैं दे रही हूँ, मैं ये झूठ नहीं बोल रही कि ये मेरी रेसिपी है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ की। और ज़रा अलग सी रेसिपी है बच्चों के लिए, और जिस चीज़ के अंदर चीज़ डल जाए ना वो चीज़ तो फिर हमें बहुत ही मज़े की वैसे भी लगती है। तो चलिए जनाब आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर करती हूँ, आज के व्लॉग में सिर्फ और सिर्फ वो रेसिपी ही होगी, क्योंकि लास्ट एक वीडियो मैंने लास्ट कोई वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें वो मैंने बन बनाए थे, अब क्या नाम था उसका मुझे खुद याद नहीं है, वैसे चिकन बन से मैंने बनाए थे जो वाकई यार बहुत मज़े के बने थे, बहुत अच्छे बने थे। तो सबने मुझे यही कहा था कि आप रेसिपी भी शेयर करो, और आपने रेसिपी क्यों नहीं शेयर की, तो उस वजह देखें तो वो मैंने जो है नहीं रेसिपी शेयर की। तो मैंने कहा अब ये वाली जो मैं बना रही हूँ ना, नई ट्राई कर रही हूँ, तो ये मैं रेसिपी के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी बज गई है बेल और डोर पर आ गई है मेरी मासी जो कि फ्राइडे दिन आती है, तो अभी मैं काम करवाऊंगी और आप लोगों से मिलूंगी रेसिपी के साथ। इस रेसिपी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस रेसिपी के तीन स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप जो है उसमें हम चिकन की जो स्टफिंग है वो रेडी करेंगे, और उसके अलावा सेकंड बात मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूं कि जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में भी बताया कि जो भी रेसिपी होती है हम लोग अपने हिसाब से उसको थोड़ा बहुत अदल बदल करते हैं, तो थोड़ी सी चेंजिंग मैंने भी की है। हाफ़ केजी मैंने चिकन ली है बोनलेस, जिसको अदरक लहसुन के साथ मैंने नमक और काली मिर्च, सिर्फ नमक और काली मिर्च के साथ मैंने इसको मिक्स कर लिया, अच्छे से पका लिया, एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च डाली, और ये हमारी स्टेप नंबर वन हमारा रेडी हो गया था। स्टेप नंबर टू में मैंने दो कप मैदा लिया, दो अंडे लिए, एक कप दूध इसमें मैं शामिल करूँगी, एक कप ही पानी इसमें शामिल करूँगी, पतला सा एक ये मिक्सर मैंने रेडी करना है। और अगर आप लोगों को देखें ये थोड़ा गाढ़ा है तो आप लोग पानी या दूध थोड़ा और शामिल करके इसको पतला बना लेंगे। उसी मेयरिंग कप से भर भर के तवे को ग्रीस करके मैंने तवे के ऊपर ये डाला, रोटी सी बनानी है हमने ढेर सारी, उस रोटी के ऊपर जब आप देखेंगे बबल्स से आने लगेंगे तो आप उसको पलट दें, और ज़्यादा पकाना नहीं है बस सेकना है। स्टेप नंबर थ्री में सिंपल हमने वाइट सॉस बनानी है, वाइट सॉस हर बंदे को आती है बनानी, हम लजानिया बनाते हैं और बहुत सी चीज़ों में वाइट सॉस का यूज़ होता है, तो इसलिए वो तो सबको पता ही है। फाइनल स्टेप की तरफ आते हैं, फाइनल स्टेप में एक कांच की मैंने कटोरी ले ली जिसके अंदर वो रोटियाँ
रोटियां जो भी मैंने बनाई थी, आप लोग देख सकते हैं कितनी ढेर सारी 2 कप मैदे से रोटियां बन चुकी हैं। रोटी मैंने रखी, बीच में चिकन की स्टफिंग डाली, चिली गार्लिक सॉस डाली और वाइट सॉस डाल के इसको ऐसे बंद कर दिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इसको उठा के लपेट के आपने इस तरह पैन को ग्रीस करके इन सारों को एक साथ रख देना है। आप लोगों के पास शेडर किया हुआ मोज़रेला और चेडर चीज़ है तो आप लोग वही यूज़ करें, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने स्लाइस वाला चीज़ वो यूज़ कर रही हूँ। चीज़ डाला, उसके ऊपर जितना भी वाइट सॉस हमारे पास रिमेनिंग था वो सारा हमने इसके अंदर डाल दिया। 20 मिनट्स के लिए सिर्फ ऊपर वाली रॉट लगा के चला के हम वो इसको बेक करेंगे। और अगर आपके पास ऑरिगेनो है, ड्राई हर्ब्स है, तो ऊपर से वो इसके ऊपर डलेगा। मेरे पास वो भी नहीं था, वो भी मिसिंग था, तो इसलिए मैंने ऊपर से कलौंजी डाल दी थी। मुझे कलौंजी भी इस तरह बेकिंग की हुई चीज़ों में अच्छी लगती है। तो बस आप यकीन करें, बहुत मज़े का ये बना था। लज़ानिया, मैक्रोनी, ये चीज़ें तो हम बनाते ही रहते हैं, तो थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा मज़ेदार, अलग टेस्ट हो गया। बच्चों वगैरह को सबको खिला पिला के अभी मैं खुद लेके अपना ये बैठ गई हूँ और खूब क्रीमी और जूसी बना है। बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत मज़े का बना है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करेंगे। गर्मी इतनी हो गई है कि हमें किचन में काम करते हुए बहुत तकलीफ़ होती है, मसला होता है, इतनी कुछ गर्मी हो गई है, तो आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई करेंगे, बहुत मज़े की बनी है। तो बस अभी मैं भी ये इंजॉय कर रही हूँ और ये फुल हमारा ना एक हमने डिनर में बनाया है, तो इसके अलावा हमें कुछ और खाने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना हैवी हैवी हो जाता है। तो चलिए जनाब, इसी के साथ अभी मैं ये फुल ख़त्म करूँगी अपना, आप लोगों से लूँगी इसी के साथ इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखेंगे, आज का ब्लॉग मेरा यही तक का था। अपना खूब ख्याल रखेंगे, दो में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।